हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स, जिसमें कि मैंने बहुत सारे वेजिटेबल ऐड किए हैं। तो चलो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को पहले से ही ऐड कर लिया है, जिसमें मैंने शामिल किया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटो, प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स और मस्टर्ड के सीड भी मैंने इसमें ऐड किए थे। और इसे मैं कुक कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ में। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैं मैं यहाँ आटा पे नूडल्स नूडल्स यूज़ करने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ सॉस ऐड करने होंगे। ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और टोमेटो केचप, टोमेटो प्यूरी हमें ऐड करनी होंगी। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं इसे, अपने सारे वेजिटेबल में इसे अच्छे से ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, ऐड और करने के बाद इसे में अच्छे से कुक करना है। 2-3 मिनट तेज आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा इसे। कलर ऐड नहीं किया है, फूड कलर को मैंने स्किप कर लिया है। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं फूड कलर, रेड कलर, पर मैंने आज इसमें नहीं डाला है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरा हक्का नूडल्स रेडी हो चुका है। तो आप भी घर में इसे बनाएं, और होप सो आप भी यूज़ करें आटा नूडल्स, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होगा बजाय मैदा नूडल्स के। तो फ्रेंड, बताएं मुझे ये रेसिपी आपको कैसे लगी, और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।